दोस्त लेगेसी के एक नए एपिसोड में। जिन भी लोगों ने फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है भाई, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। लास्ट एपिसोड में क्लोई फ्रेजर और नडीन रोस दोनों के दोनों बच के निकल गए थे असाव आर्मी से। अब असाव आपको मैं बता देता हूँ कौन है। यार ऐसा हुआ था कि नडीन को हम मिले एक रेड डोर के पास। तो रेड डोर के मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ आपको, रेड डोर के पास मिले। उस रेड डोर के पास से हमने कुछ आर्मी के रेबल से फाइट करी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोई और नडीन एक बहुत ही रोमांचक भरे सफ़र पर निकल चुके हैं और वो अभी असाव आर्मी से बच के आए हैं। रेबल्स की एक आर्मी थी जिसका लीडर है असाव, और वो असाव के एक होयसाला एम्पायर को ढूंढ रहा था और उसे वो मिल गया था, बट उसे आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो क्लोई और नडीन ये दोनों उसके पास से एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक आर्टिफैक्ट जिसे कहते हैं डिस्क, वो डिस्क चुरा के भाग गए थे और बचते बचाते हुए वो होयसाला एम्पायर के फ्रंट गेट पर आ गए थे। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हम स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये है क्लोई फ्रेजर, ठीक है। क्यू से होल्ड करना है अभी और डब्ल्यू और एस से क्लाइम करना है। तो यार जब तक कि मैं थोड़ा सा डायरेक्शन कर रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आप लोग सभी यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं ना वो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। तो अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। गेम सच में ना बहुत रोमांचक भरा गेम है, बहुत एडवेंचर से भरा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि आपको पता ही होगा, अनचार्टेड अपनी स्क्रिप्ट के लिए और एडवेंचर के लिए बहुत मशहूर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होयसाला एम्पायर को सर्च करने, और हमारे पास एक आर्टिफैक्ट है डिस्क, जो कि हमने असाव से चुराई थी। Let's just enjoy the serenity, shall we? Got a dumb question. So much for that. How do you know the tusk is still there? It would have turned up in a museum or something by now, right? Plus, I haven't seen any Hoysalar exhibitions. I never even heard of the Hoysalar before this job. Yeah, well, that's the fault of their last king, really. Young, reckless, flaunted his empire's wealth, built a new capital to house the tusk. And then led the Persians right to their doorstep. And now us. तो भाई मैं आपको भी बता देता हूँ क्या बात हुई है नडीन और क्लोई के बीच में। क्लोई ने बताया कि होयसाला एम्पायर को अब तक खोजा नहीं गया है और इसे हमें ही खोजना है। तो नडीन कहती है इसी बात पे कि तुम इतनी श्योर कैसे हो कि गणेश जी का टूटा हुआ दांत अभी भी वहीं है होयसाला एम्पायर के अंदर। तो इस बात पे क्लोई कहती है कि मैंने अब तक किसी म्यूजियम में होयसाला एम्पायर के बारे में नहीं सुना और ना ही मैंने कहीं गणेश जी का टूटा हुआ दांत देखा है। तो इससे यही साबित होता है कि होयसाला एम्पायर अभी भी सेफ है, लोगों से छुपा हुआ है, और हमें उसे ढूंढना है और गणेश जी के टूटे हुए दांत को भी ढूंढना है, ठीक है। तो भाई ये गेम भी बहुत ही लाइक एडवेंचर भरा है, और इसके अंदर भी हमें लोकेशंस का नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, बट हमें सर्च करते रहना है और हमें सर्च करने के बाद ही मिलेगा। कई बार रास्ता सामने होता है फ्रेंड्स, लेकिन नहीं दिखता, जैसे कि झरना। इस झरने के पीछे रास्ता था बट हमें नहीं दिखा। तो इस गेम के अंदर ऐसा ही है कि रास्ता है, जगह है, बट आपको अच्छे से देखना होगा जब भी आप देख पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कोई मैप नहीं है। और ये इंडिया के जंगल हैं, और अभी हम एक पुराने किले के पास, पुराने खंडर के पास आए हैं। Can we get through that gate? I'll check it out. तो ये होयसाला के गेट है रुइंस के। The old capitals. अभी क्लोई सर्च करेगी कि इधर क्या मिलेगा। हलबजू एंड ब्लोर दो एक अलग अलग लोकेशन है जो हमें ढूंढनी है। Of the Hoysalar capitals, Shiva was the guardian of the former capital, Belur. The stonework is beautiful, but this isn't much of a defensive wall. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. तो अभी पता चला है कि दो
लोकेशंस है, एक है बलूर जिसकी रक्षा कर रहे हैं भगवान शिव, और एक है हालेबडू जिसे हमें ढूंढना है। तो ये गेट तो लॉक है, बट हम एक काम कर सकते हैं, क्यों हम अपनी गाड़ी के अंदर से रिंच निकाल के इसको लॉक करेंगे और फिर गाड़ी को पीछे खींचेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो अभी नडीन बोल रही है कि दो तरीके हैं, या तो तुम अपनी तरीके से करो गाड़ी के साथ, ठीक है, अदरवाइज आपके पास अगर डायनामाइट है तो हम डायनामाइट से इस दरवाजे को ब्लास्ट कर देंगे। तो हमने अनचार्टेड अथीव सैंड के अंदर भी ऐसे ही किया था बहुत सारे मिशंस, और सेम कार थी जो अनचार्टेड 4 में थी और वही लॉस्ट लेगेसी में है। ओ भाई, इससे पहले हम कुछ करते हैं, यहाँ पे आ चुकी है असाव की रेबल आर्मी और हमें इनसे फाइट करना है। तो दो बंदे नॉक कर दिए और तीसरा बंदा भी नॉक कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, बिना बताए अचानक से कहां से आ जाते हैं लोग। तो नडीन रोस अभी जा रही है और वो जीप को पीछे खींचेगी जिससे कि ये दरवाजा यहां से खुल जाएगा या टूट जाएगा, बेसिकली एक पैसेज बन जाएगा। बट नडीन हमारे इंतजार में है क्योंकि इस मिशन की जो लीड कर रहे हैं वो हम हैं, यानी कि क्लोई फ्रेजर। दरवाजा तोड़ दिया यार इतना, मतलब तो हम कार को जीप को अंदर लेके जाते हैं और आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में जो है गणेश जी की मूर्ति है और राइट में आई थिंक किसी और देवता की मूर्ति है। गेम के ग्राफिक्स ना फ्रेंड्स सच में बहुत कमाल के हैं, मजा आ रहा है गेम खेलने में। What? They're just large flying rodents. Actually, no, they're not. Yeah, they are. They're closer to primates and lemurs. Okay, well, I'll look it up. There we go. तो नडीन रोस ना अभी डर रही थी कि सामने से ये उड़ने वाले जीव आ गए थे, तो इसी बात पे क्लोई ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो जीव हमारा कुछ नहीं करेंगे, वो बस उड़ने वाले जीव हैं, उड़ के चले जाएंगे। तो हम अभी एक लोकेशन पे आ गए हैं और नडीन ने कहा रुक जाओ, तो अभी देख रहे हैं यह कौन है। तो भाई ये असाव हो सकता है यहाँ पे, जो कि रेबल आर्मी का लीडर है, यही है वो असाव देखो, और बड़े बड़े आर्मी के टैंक लेके आ रहा है, मतलब इसके पास बहुत अच्छी खासी बड़ी आर्मी है, शोरलाइन आर्मी जैसी एक आर्मी है इसके पास भी। और असाव ना गणेश जी के टूटे हुए दांत को लेके बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं पागल हो चुका है, वो ढूंढ रहा है गणेश जी का टूटा हुआ दांत, बट इससे पहले वो गणेश जी का टूटा हुआ दांत ढूंढता या उसे पता लगता हो, जो उसके पास एक डिस्क थी वो डिस्क हमने उससे चुरा ली। तो भाई अभी यही लोकेशन है जिधर हमें जाना है, ये एक किला है पुराना होयसाला एम्पायर का और यहाँ पे रेबल आर्मी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताना कि रेबल आर्मी से हम फाइट किस तरीके से ले, एक तो होता है साइलेंट किल साइलेंट मोड पे, और या फिर एक होता है ताबड़ तोड़ फायरिंग। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे हम लोग इन लोगों से फाइट करें। तो अभी हम लोगों को अपनी जीप यहीं कहीं पार्क करनी पड़ेगी और अभी हम चलते हैं इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, छुपा के पार्क कर देते हैं फ्रेंड्स। वाइल इन स्टील्थ मोड सी टू मार्क एनिमी। तो फ्रेंड्स अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइलेंट किल करूं जितने हो सके, बट अगर उन्हें पता लग जाएगा आर्मी वाले अलर्ट हो जाएंगे तो फिर भाई धमाकेदार एंट्री के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। पता लग चुका है भाई इन्हें, और नडीन रोस भी कुछ कमाल का ही एक्शन कर रही है। बहुत ही बेहतरीन, बट आर्मी के बहुत सारे लोग हैं और वो कह रहे हैं कि री इन्फोर्समेंट आ रही है, मतलब कि और बंदे आ रहे हैं आर्मी के। ये क्या ग्रेनेड है? हमने ग्रेनेड फेंक के मारा।
बट ग्रेनेड से कुछ हुआ नहीं, तो एक काम करते हैं एक और ग्रेनेड मारते हैं, बट हमारे पास तो ग्रेनेड है ही नहीं। ओ बंदो यार, आर्मी के बंदे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, बट हम इनसे निपट लेंगे। हवा में फायर किया भाई मैंने, और छुप के मारेगा वो बंदा। ये लो, उस बंदे को ऊपर ही निपटा दिया। तो अभी क्लोई फुल एक्शन में आ चुकी है और रेबल्स आर्मी से पंगा ले लिया है, तो रेबल्स आर्मी के बंदों को या आदमियों लोगों को हम अभी निपटाएंगे। देखना फ्रेंड्स कैसे मारूंगा इस बंदे को। झाड़ियों में छुप के लड़ रहा है हमसे, बट हमें अभी अपनी एमो रिलोड मारनी है। चलो मुझे लगता है अभी हमने सब आर्मी के बंदों को, आर्मी के लोगों को मार दिया है। Just like I planned. अब देखते हैं हमें यहाँ पे इस ट्रक के अंदर क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट एपिसोड में, आपने देखा होगा कि हम किसी भी दरवाजे को अगर अनलॉक करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, या किसी भी लॉक को अगर हमें तोड़ना होता है तो जहाँ पे वाइब्रेट करता है वहाँ पे हमें ऐसे होल्ड करना है और एक अनलॉक। चलो एक हो चुका है, दो बचे। दो हो चुके हैं, एक बचा। चलो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसे अनलॉक कर लिया और उसके अंदर देखते हैं हमारे लिए क्या काम की चीज़ है। साइलेंस पिस्टल हमें मिल चुकी है, और साइलेंस पिस्टल का हम ये यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि हमें फ़ाइट नहीं लेनी, हम साइलेंटली इस बंदूक का इस्तेमाल करके शोरलाइन आर्मी को नहीं मारेंगे, क्योंकि शोरलाइन आर्मी तो इसमें है ही नहीं फ्रेंड्स, इसके अंदर असाव आर्मी है, तो असाव की रिबल्स आर्मी को हम मारेंगे। तो अभी मुझे लगता है हमें इस बड़े से दरवाजे के पास जाना है। ओ एक सेकेंड यार, इधर ग्रेनेड था और ग्रेनेड मेरे काम आएगा, उठा लेते हैं। अभी अपने पास एक ग्रेनेड है और एक और बंदूक है और एक हैंड पिस्टल है। ठीक है, तो इसी दरवाजे के ऊपर शायद हमें चढ़ के जाना होगा। बहुत ही आसानी के साथ और बखूबी हम इस दरवाजे पर चढ़ चुके हैं। एक काम करते हैं, क्लोई को बोलते हैं ना, निहत्ती हो जाती है। बट ऐसा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो ये एक दरवाजे का मैकेनिज्म है जिससे कि ये दरवाजा खुलेगा। हमें रैपिडली ई को दबाना है। टेक्नोलॉजी ना फ्रेंड्स उस टाइम में भी बहुत कमाल की हुआ करती थी, आप देख सकते हो। यहां से नेडिन रॉस जा चुकी है और ऊपर से जा रही क्लोई फ्रेजर। तो अभी हमें होयसाला एम्पायर के रुइंस को एग्जामिन करना है और पता लगाना है कि क्या है इधर। बहुत बढ़िया, तो नेडिन कह रही है थोड़ा आराम से क्लोई, बहुत आराम से चलो। तो क्लोई कह रही है मैं बहुत ही केयरफुल काम कर रही हूँ। थैंक यू। Back to shotgun. I'm perfectly capable of driving, you know. I'm sure you are, honey. I just. तो नेडिन कह रही है कि मैं भी एक अच्छी कार जीप चला लेती हूँ। तो इस बात पे क्लोई कहती है हाँ हनी तुम बहुत अच्छी कार चला लेती हो। बट ये क्या हो गया? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 हो चुका है स्टार्ट द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। Let's have a look at the map. Press J to look at the map. Okay. Let's see. We are right about here. बहुत बढ़िया भाई, तो इसमें मैप मिला हुआ है हमें। तो ये लोकेशन है जहाँ पे रेड कलर का लोगो आप मार्कर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम हैं। और अभी हमें जाना है इस टावर के पास, ये जो टावर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलेंगे। और सी से निकाल दिया सेल फोन, और ये आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, फर्स्ट एपिसोड की फोटोग्राफ है जहाँ पे हमें छोटी सी बच्ची मिलती है। Check out that tower. Bet you could get the lay of the land from up top. Maybe. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ नई लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए होयसाला एम्पायर की। अभी हम पंगा लेके आए थे नेडिन रॉस के साथ असाव की आर्मी के रेबल्स बंदों से। तो अभी चलते हैं, ढूंढते हैं होयसाला एम्पायर के अंदर जाने का रास्ता। Was that a compliment? यही है वो टावर जो मैप के अंदर अभी हमने देखा था, बट उधर जाने का रास्ता इधर से है, तो लेफ्ट लेते हैं।
We just need to stay the hell away from him. तो भाई अभी नेडिन रोज कह रही है कि असाव के आर्मी लोग ना सब पागल हैं, इडियट्स हैं। Never understood the appeal of people like Asav. Easy. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. तो नेडिन बता रही है कि he finds men who are weak and offers them power. तो वो उन लोगों को ढूंढता है जो लोग कमजोर हैं और उन्हें अपने आर्मी में जोड़ लेता है। तो भाई यही कुछ खंडर हैं या किले हैं, किले कह सकते हैं बेसिकली, टूटे हुए किले जहां पे हमें जाना है। और अभी चेक करते हैं। Don't remind me. Proved useful at the time, but yeah. तो नेडिन रोज ना अभी बात कर रही है क्लोई से कि तुम्हें इतने रोमांचक भरे सफर में जाने के लिए किसने कहा। तो नेडिन का इस सवाल का जवाब नहीं दिया अभी क्लोई ने, बट क्लोई देगी जवाब इसका बाद में। और अभी उसने बात घुमा दी है असाव को लेके। तो कह रही है तुम जानते हो असाव को। तो नेडिन शायद जानती है असाव को, उसका कुछ पहले का लिंक या कनेक्शन है। अब आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, वो हमें अभी पता चलेगा गेम में। तो अभी भाई हम इस पुराने किले के पास आ चुके हैं और ज़रा इस किले को हम एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। Where are you going? Want to climb it with me? I really want to, but someone should keep watch for Asav's forces. Good call. कितनी तेज है भाई, कि सच में कितनी तेज है। तो अभी क्लोई ने बोला कि चलो आओ इस पुराने से किले पे चढ़ते हैं, चढ़ के देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इस बात पे नेडिन ने क्या कहा कि एक बंदा नीचे देखने के लिए भी तो होना चाहिए ना, कि अगर असाव आर्मी आ जाती है, रेबल्स की आर्मी आ जाती है, तो उन लोगों से फाइट कौन करेगा अगर तुम दोनों ही ऊपर चढ़ेंगे तो। वैसे यार बात तो इसकी सही है, पर मुझे लगा जहां तक कि ये बचने वाली बात थी। तो अभी कोई बात नहीं, हम अकेले ही कर लेंगे, यानी कि क्लोई फ्रेजर अकेले ही इस पुरानी इमारत के ऊपर चढ़ जाएगी, पुराने किले के ऊपर। और होशाला एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता है, था। क्लोई पूछ रही है, सॉरी नेडिन पूछ रही है कि क्या तुम ठीक हो क्लोई। तो इस बात पे क्लोई कहती है हाँ मैं ठीक हूं, थैंक यू फॉर आस्किंग। गेम सच में ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो भाई जिन भी लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बाकी ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे ना कि कमाल ही आ जाएगा। और गणेश जी का टूटा हुआ दांत ढूंढने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। तो जिन भी लोगों को नहीं पता, मैं एक बार से फिर बता देता हूँ कि गणेश जी का टूटा हुआ दांत की क्या कहानी है। होता यह है कि भगवान शिव एक बार अपने घर के अंदर होते हैं, जहाँ पे भी वो रहते थे। उसके बाद वो कहते हैं अपने बेटे से कि तुम ज़रा नज़र रखना और किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है। तो अब उनका बेटा यानी कि भगवान गणेश वहाँ खड़े हो जाता है द्वार पर और किसी को भी अंदर नहीं आने देते। तो क्या होता है कि परशुराम भगवान आते हैं वहाँ पे और वो ज़िद करते हैं कि मुझे भगवान शिव से मिलना है। बट जैसा कि गणेश भगवान को हुक्म मिला था, ऑर्डर मिला था उनके फादर से कि तुम्हें किसी को अंदर नहीं आने देना, तो वो वही करते हैं। तो इस बात पे भगवान परशुराम गुस्सा हो जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेते हैं और उस कुल्हाड़ी से भगवान गणेश पे वार कर देते हैं। तो जैसे ही वो वार करते हैं ना, तो भगवान गणेश जब देखते हैं कि वो हथियार उनके पापा का हथियार है यानी कि भगवान शिव का हथियार है, तो वो सीधे नॉर्मल खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं, मतलब कोई अटैक कुछ नहीं करते। तो उससे क्या होता है ब्रो, गणेश जी का एक दांत टूट के जमीन पे गिर जाता है और यही वो कुल्हाड़ी है जो आप सिंबल देख पा रहे हैं, शिवा की कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही गणेश जी का टूटा हुआ दांत निकल के गिर जाता है। तो उसी की खोज में अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ बहुत सारे सिंबल्स हैं होयसाला रूइंस में। एक हमने खोला ये एक्स जो है एक वेपन भगवान का दिया हुआ, और ये हमने खोला दरवाजा नंबर सेकेंड। तो हम अभी इसके साथ साथ क्लोई फ्रेजर क्या कर रही है, अपने मैप के अंदर उन लोकेशंस को मार्क कर रही है जो लोकेशन उसे यहाँ से देखने को मिल रही है। और ये ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, ठीक है। तो अभी हमें तीन दरवाजे खोलने को मिले हैं और तीन नई लोकेशन मिली है जहां पे त्रिशूल और एक सूरज का चक्र और एक है भगवान शिव की कुल्हाड़ी जो भगवान परशुराम के पास रहती है। तो तीन दरवाजे हमने खोल दिए हैं
ओके, और ये लगता है हमें चौथा दरवाजा भी खोलना पड़ेगा। बो को बोलते हैं धनुष, ठीक है। तो हमने चौथा दरवाजा भी खोल दिया है जो कि एक धनुष है। तो अभी हमें इन चारों के चारों लोकेशंस पे, यानी कि ओल्ड पुराने किले पे जाना होगा और वहाँ पे कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा या कुछ ऐतिहासिक मिलेगा। अभी देखते हैं हम इसे घुमा के क्या होता है। ये तो लिफ्ट है यार, बताओ, सोचो यार फ्रेंड्स, उस जमाने में नाना करते हुए अब से 8000 साल पहले, 8000 भी छोड़ो यार, 2000-2500 साल पहले जिन लोगों ने, 2000-2500 भी नहीं यार, मेरे दिमाग से और मेरे हिसाब से 4000-5000 साल पुरानी ये बात होगी या 8000 साल पुरानी बात होगी, क्योंकि रामायण ही इतनी पुरानी है और उससे पहले ये होयसाला एम्पायर बना, लेकिन उसके बाद यहाँ पर्शियंस ने अटैक किया। तो पर्शियंस ने अटैक किया, इसका मतलब कि ये लोकेशन 1500 साल पहले कोई यहाँ पे आया था। तो अभी उसके बाद यहाँ पे क्लोई फ्रेजर आई है इन रूइंस के अंदर, इन खंडर के अंदर, उन्हें उसे मिली है 4-5 लोकेशन। तो अभी उन चारों लोकेशन पे चल के देखते हैं हमें उधर क्या मिलेगा। तो नडीन रोज अभी पूछ रही है कि क्या ऊपर चढ़ना वाकई में वर्थ था। तो इसी बात पे क्लोई ने कहा कि मुझे वहां पे 3 सिंबल्स देखने को मिले। अब उन 3 सिंबल्स का क्या लिंक है क्या नहीं, वो हम अभी जल के पता लगाएंगे। तो अभी हमने खोल दिया मैप, ठीक है। एक बार और फ्रेंड्स आप लोग मैप देख लीजिए। ओ देखो ये आपको वैसे समझ आ गया होगा, सबसे ऊपर है एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे है भगवान गणेश का त्रिशूल और लेफ्ट हैंड साइड पे है भगवान परशुराम का धनुष और बाण यानी कि तीर कमान। तो और एक चौथी लोकेशन जो हमें देखने को मिली वो अलग सी थी, तो उसे भी हम बाद में देखेंगे कि सूरज का चक्र था वो क्या है बेसिकली। तो अभी एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने एडवेंचर भरे सफर पे, लेट्स गो। राइट, यू आर द मिलिट्री एक्सपर्ट, व्हाट्स द सर्व स्ट्रेटजी हियर? ही स्प्रेड आउट हिज मेन होपिंग टू स्टॉप अस इन आवर ट्रैक्स। Not what I would do. So what would you do if you were a Sarv? Besides lose the beard, hang back, let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the task once you've done all the hard work. तो भाई अभी क्लोई ने पूछा है नडीन से कि अगर तुम असाव होती तो तुम क्या करती? Practical. तो इस बात पे उसने कहा कि मैं क्या करती, अपनी सबसे पहले तो दाढ़ी शेव करती और उसके बाद तुम जब, यानी कि क्लोई वो गणेश जी का टूटा हुआ दांत ढूंढ लेगी तो मैं उसे जाके बस छीन लूंगी, तो मैं ये करती। तो भाई अभी मुझे लगता है कि एक लोकेशन सामने ही है, ये कौन से खंडर है, अभी एक बार देख लेते हैं ये कौन से किले हैं, क्या पता यहाँ कुछ कीमती चीज मिल जाए, कोई छोटा मोटा खजाना, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। Don't recognize this. It's not one of the 3 symbols. Still, could be a chance to make some extra cash. जैसा कि मैंने कहा था भाई, ये लोकेशन मैप के अंदर नहीं थी, बट क्लोई कह रही है कि हो सकता है हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैश मिल जाए, कुछ खजाना मिल जाए। ओके, तो ये कुछ एक मैकेनिज्म है। Damn it. I need more leverage to move this. इसे एक काम करते हैं, गाड़ी से बांध के देखें क्या, एक काम करते हैं कार को हम थोड़ा सा पीछे लेते हैं। Time to go. नहीं, टाइम टू गो नहीं, मुझे करना है यार, ये क्लोई को करना है। रुक जा नडीन, बहुत जल्दी में रहती है। I'll be right back. You got it. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर और वहाँ से देखते हैं कि इस मैकेनिज्म को हम कैसे खोलेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खुफिया या फिर कह सकते हैं कीमती चीज़ यहाँ पे है, जब ही उन लोगों ने यहाँ पे छुपा रखी है। Oh, this thing is stuck tight. नहीं हो रहा यार, मैं एक और कोशिश करूंगा। लगता है ये ऊपर से ही खुलेगा, बट कैसे खुलेगा कैसे नहीं, एक और कोशिश करके देख लेते हैं फ्रेंड्स।
must be a way to get more leverage. Maybe try using yourself as a counterweight. Look at the brains on you. Oh no, I'm really smart. कह रही है कि हो सकता है तुम्हें काउंटर वेट करना हो। काउंटर वेट क्या होगा यार, कि मेरे वेट से खुले गए? पता नहीं यार, इतने दिमाग लगा के बना देते ना पहले के लोग, जितने भी उनके खुफिया चीज़ें होती थी, या कैसे कहते हैं इन्हें, एक वर्ड है ना, रोमांच नहीं, छुपाने के लिए, कुछ भी चीज़ छुपाने के लिए। नहीं हो रहा यार इधर से। भाई मेरे अंदर भी कड़ी एक अलग ही किस्म की चुल है कि जब तक मैं ये करूंगा नहीं ना फ्रेंड्स, मैं आगे नहीं जाऊंगा गेम के अंदर। ऐसी क्या चीज है जो मुझसे नहीं हो रही? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, कर दिया मैंने। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो लाइक जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था, जो एक पिलर था, उसको मैंने रस्सी को पकड़ा और रस्सी के मैं साइड से कूद गया। तो ये सोने का हमें कुछ मिला है, और ऊपर हम सुन सकते हैं कि असाव की आर्मी आ चुकी है। सोने का एक ऑब्जेक्ट है, क्या कहते हैं, सोने की एक डिस्क है। थैंक यू, बहुत कीमती चीज़ हमें मिल गई। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। देख रहे हो यार पहले के लोग किस तरीके से छुपाते थे चीज़ों को, कीमती चीज़ों को। ये रे, ओके, अब इनसे फाइट लेना पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा तो पहले ना हम एक काम करेंगे कि इन आर्मी के बंदों को ना छुप छुप के मारेंगे। ऊपर चढ़ रहा था, वहीं मार दिया। एक बंदा नॉक हो चुका है, और ये दो बंदे हो रहे हैं यहां पे, एक और आ गया, तीन है बस, और तो नहीं है कोई। चार बंदे हैं भाई बेसिकली टोटल यहां पे। What the? No way I imagine that. What the? Oh shit! अब पंगा ले लिया तो फाइट करना पड़ेगा। ये आ जाओ, लड़ो मुझसे। लकी, हम तो लकी हैं ही, हमारा तो नाम ही लकी है, क्लोई लकी। मरो तुम, लेकिन रेबल्स तुम्हें तो बेटा बहुत गंदा मारूंगा। और ये बंदूक मुझे बहुत सही मिल गई। अबे पिस्टल से लड़ेगा, ऑटोमेटिक है मेरे पास। आ जा, ये ले पागल, पिस्टल लेके आ रहा है भाई। Just a token of some kind. Old. तो भाई अपनी जीप ये खड़ी। Think we need it? Need? Probably not. Want? Definitely. तो भाई अभी नेडीन ने पूछा कि तुम्हें उधर से क्या मिला, तो नेडीन ने बोला कि मुझे होयसाला एम्पायर का एक ऑब्जेक्ट मिला है, तो हो सकता है वो काम आया। तो उसने बोला क्या वो सच में काम आएगा, कितना जरूरी है? तो कह रही हो भी सकता है काम आया, हो भी सकता है ना आए। तो ये बोल रही है क्लोई, अभी रुक जाओ, इस जगह पे रेबल्स ही रेबल्स हैं। तो भाई वो ही तो हमें चाहिए, रेबल्स की फाइट करनी है हमें, और होयसाला एम्पायर के उन तीन सिंबल्स को ढूंढना है। बेसिकली एक है गणेश जी का त्रिशूल, दूसरा है भगवान परशुराम का तीर कमान, और तीसरा है भाई भगवान शिव की कुल्हाड़ी। और वो तीनों के तीनों हमें पुराने किले में ही मिलेंगे, जो पुराने किले हैं। तो भाई अभी चल के देखते हैं हम कहाँ पे हैं। अभी हम यहाँ पे, तो अभी हम जा रहे हैं भगवान शिव के त्रिशूल की तरफ। ये अच्छा हुआ फ्रेंड्स कि इसके अंदर इन्होंने
इस अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी के अंदर सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने हमें मैप दे दिया, जिससे कि गेम थोड़ा सा इजी हो गया। वरना हमने लास्ट मेडागास्कर में ऐसे जंगल देखे थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अथीफ सैंड। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और ये मैप खोल के देखता हूँ कि क्या मैं सही लोकेशन पे हूँ। नहीं यार, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। ओके, बेसिकली गलत तो नहीं जा रहे हम क्लोई, बट इधर ना एक चीज़ देखने को मिल रही है और वो चीज़ है क्वेश्चन मार्क। तो अभी क्वेश्चन मार्क पे चल के देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन मार्क। Coming. Copy that. तो इधर भी हमें कुछ मिला है सोने चांदी का सामान, जिसपे कि हीरे मोती जड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें चलना है लोकेशंस पे। आप देख सकते हैं वो री लोकेशन, वहां जाना है आई थिंक हमें, जो ऊपर आप चोटी देख रहे हैं ना। बट उससे पहले मैं यहाँ पे भी देखूंगा, क्या पता यहाँ पे भी हमें कुछ मिल जाए, सोने चांदी का सिक्का या हीरे मोती। नहीं यार, इधर कुछ नहीं है भाई। कोई बात नहीं, चलो एक तो मिला। अब सीधा बिना टाइम गवाए हुए हम लोग चलते हैं भगवान शिव की लोकेशन पे, जहाँ पे उनका एक्स है और वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री कनेक्टेड है, जो कि हमें मदद करेगी हमारे गेम के इस रोमांचक भरे सफ़र में। शोरलाइन आर्मी का लाइक शोरलाइन आर्मी याद आ रही है, असाव के ट्रक है यहाँ पे। ठीक है, हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो हमें अपने जीप को भी यहीं कहीं पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे असाव का ट्रक, रिबल्स आर्मी का ट्रक हमें देखने को मिल गया है। एक बार देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ काम की चीज़ तो नहीं पड़ी। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली दो ही हैं, दो हमें अनलॉक करने हैं। एक हो गया, दो हो गया, खुल गया। देखते हैं इसके अंदर क्या काम की चीज़ है। कुछ मिला है हमें कीमती, बट नहीं मालूम कि क्या है। नहीं यार, मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, मुझे ना आई थिंक इस टनल से निकलते हुए जाना है, बट देखते हैं यार लोकेशन। ये मिला था हमें वहां से। ठीक है, तो ये भगवान शिव का लोगो है, जो कि एक एक्स है। मुझे लगता है वहां पे हमें कार लेके जानी होगी, या फिर कार ही लेके जानी है यार। बट इतनी ऊपर कार जाएगी नहीं, तो हमें कार को यहीं कहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कार के इस हुक के अंदर हमें ऐसे करके हुक लेके और उस हुक को उस दरवाजे पे लगाना है। Hey, look. Shiva's axe matches the symbol in the tower. Shiva. Who's the god of destruction, right? Yes, but maybe not in the way you're thinking. तो शिवा के बारे में नडीन बोल रही है कि ये वही भगवान है ना, जो कि एक विनाशक है, मतलब डिस्ट्रॉयर है हर चीज़ के। तो इस बात पे क्लोई ने बोला कि हाँ ये वही है, बट तुम उन्हें गलत तरीके से मत लो। अभी हम बैठते हैं अपनी जीप के अंदर और इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। रिवर्स गियर डाला और पीछे 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 दरवाजा खुल गया। तो अभी चलते हैं इस लोकेशन के अंदर और ढूंढते हैं कि उस टावर से जो सिंबल मिला था, इसके अंदर ऐसा क्या है।
Salah versus the tiger. Fair fight. Let's keep moving. Right. तो ये होयसाला एम्पायर के अंदर कोई मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में इन्होंने बताया, इसके पीछे भी एक कहानी थी बट वो मैं आपको बताऊंगा फिर कभी और। तो अभी हम चलते हैं इस लोकेशन में जहां पे हमें नीचे जाना है। ओके, तो अभी क्लोई और नेडीन दोनों आ चुके हैं उसी लोकेशन पे जहां पे शिवा की यानी कि भगवान शिव की एक कुल्हाड़ी थी, बट इधर से हमें कहीं रास्ता नहीं दिख रहा जाने का। अभी ढूंढते हैं किधर से जाना है। ये मूर्ति है और मूर्ति के नीचे से हमें रास्ता दिख गया। तो फ्रेंड्स अभी हमें इसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाना है और जल्दी जल्दी जाना है भाई, क्योंकि इससे पहले इसकी सांस रुक जाए। बहुत टाइम लगा रही है यार ये, तो या तो मुझे ही करना नहीं आ रहा। दिक्कत होनी शुरू हो गई बट हम निकल चुके हैं, बच गए यार, बाल बाल बचे हैं फ्रेंड्स अभी, नहीं तो अभी इसका काम हो जाता। चलो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये क्या मिला है? ओके ओके फ्रेंड्स, ये तो वही चीज़ है ना जो हमें लास्ट अनचार्टेड में मिली थी, जिससे कि हम ऐसी जगहों पे भी क्लाइम कर सकते हैं जहाँ पे खुरदुरापन होता है या नहीं चढ़ सकते। तो निकालते हैं इसे। तो एक क्लाइंबिंग गियर एक हमने दे दिया है नेडीन को और दूसरा लेके हम चलेंगे, तो हमें भी तो एक चाहिए होगा ना फ्रेंड्स। चलो यार, लेकिन अनचार्टेड के जो थीफ सैंड था उसके अंदर तो ये हमें देखने को मिला था लाइक बहुत लास्ट के ऑलमोस्ट टाइम पे, बट इसमें तो ये हमें अभी देखने को मिल गया। तो लगता है गेम में बहुत ज़्यादा रोमांच भरा हुआ है, क्योंकि इसका यूज़ वहीं होता है जहाँ पे चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ और हैरत अंगेज चीज़ें छुपी हुई हैं। अभी हमें सामने कूदना है, बहुत बढ़िया, और फिर नीचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमें इसी सुरंग से या टनल से होते हुए निकलना है, और ये यहाँ पे असाव आर्मी के बंदे हैं, और इससे पहले वो हमें देखे हमें छुप छुप के यहाँ से जाना है, बट मुझे लगता नहीं यहाँ छुप छुप के काम हो पाएगा, मुझे लगता है यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग होगी। इससे पहले वो मारते उससे पहले मैंने अपनी फायरिंग शुरू कर दी यार। निपटा दिया भाई उस बंदों को, जितने भी थे सबको बहुत आसानी से निपटा दिया इस बार। और ग्रेनेड था यहाँ पे, तुमने ले लिया क्या? नहीं, थैंक यू, मुझे ग्रेनेड की जरूरत है यार। नहीं, मुझे बंदूक नहीं चाहिए ना, ये सब चीज चाहिए। देखते हैं इन रेबल्स के पास और क्या है। नहीं, ठीक है, तो अभी हमें इधर से ऊपर जाना है शायद इस लोकेशन में, और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे जाने का रास्ता। चलो इधर से ही चल के देखते हैं। आओ नेडीन, फॉलो मी। तो अभी हम वो वाले लोकेशन को, उस वाले किले को ढूंढ रहे हैं जो भगवान शिव की एक्स बनी हुई थी जहां पे। और अब हम आ चुके हैं एक रूम के अंदर जो कि एक पजल है या फिर एक क्या कहते हैं उसे, माया जाल कह लो या एक जाल है। ये देखो इसके हाथ में, इस योद्धा के हाथ में भगवान की एक कुल्हाड़ी है। और ये क्या निकल के आ गया नीचे से? ओके, तो मेरी मूवमेंट करने से स्टैचू भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें जाना किधर से है? ओके, बच गए। ओ शिट यार, ये तो बहुत खतरनाक है मैकेनिज्म ना। जिन भी लोगों ने बनाया बहुत सोच समझ के बनाया कि हर कोई आम आदमी या नॉर्मल माइंड का बंदा इसको पार ही ना कर पाए, तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। देखते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फुट स्टेप्स हैं जिसपे हमें चढ़ के जाना है। 1 2 3 और 3 पे इस वाले पे वो किल कर देता है कि, तो इस पे हमें नहीं जाना डायरेक्टली।
योद्धा बड़ा खतरनाक दिखाया हुआ है भाई। एक दो तीन बच गए, चार पांच, शेट 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 यार, बड़ा मुश्किल है यहां से जाना, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे। कोई तो तरीका होगा ना यहां से बच के निकलने का फ्रेंड्स। उधर दरवाजा आप देख रहे हो, उस दरवाजे पे हमें जाना है। तो तीन चार पांच छह, ओके ओके बच के निकल गए भाई। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, बट मैंने कर लिया। अब नेडीन को देखते हैं, नेडीन के साथ क्या होगा। यार इसके सामने तो कुछ भी नहीं हो रहा, लगता है एक ही बार का ट्रैप था ये एक जाल था। चलो नेडीन आ जाओ, फॉलो करो मुझे। हमने बहुत ही मुश्किल के साथ पहला पड़ाव पार कर लिया है, अब हम चल रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। पहले यहाँ से कितनी बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है, इस व्यू को हम कैप्चर कर लेते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। और ये रहा रास्ता अंदर जाने का। नहीं यार, ये क्या तीन तीन यार। स्टार्स देखने को मिल रहा है और रिंग देखने को मिल रही है इनके ऊपर। तो यार यहाँ पे तो तीन तीन स्टैचू हैं, अब इन तीनों से कैसे बच के निकलना होगा। यार मेरी तो एक से निकलने में हालत खराब हो गई थी अभी, बट कोशिश करते हैं। इस ट्रैप से भी हम निकलेंगे, पहले यहाँ कूदते हैं। एक, ओ इसने कुल्हाड़ी निकाल ली, बच गए। So far, so good. लगभग आधा मैंने पार कर लिया भाई, बिना मरे आधा पार कर लिया, लगभग आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बच गए भाई। अभी मुझे लगा कुल्हाड़ी पीछे से आएगी और सर गया, बट नहीं बच गए। यार कितना डिफिकल्ट बना रखा है यार होशालल एम्पायर के लोगों ने। लगता है उनका राजा बहुत ही शातिर दिमाग का था, या वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, मैकेनिज्म में। नहीं यार इधर एक और है रूम, कितने सारे हैं यार। एक दो तीन चार पाँच, पाँच सोल्जर खड़े हुए हैं और पाँचों सोल्जर के पास अलग अलग लाइटें जल रही हैं यार। एक गोल्डन है, एक रेड है और एक वायलेट है, ब्लू टाइप। फ्रेंड्स कोशिश करता हूँ यार, देखता हूँ कि हो पाता है नहीं हो पाता। वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। एक दो तीन चार, नहीं इधर नहीं कूदना था यार। इसने अभी गाली दी यार उन्हें, इन योद्धाओं को गाली दी यार, योद्धा कहो सोल्जर कहो। तो एक यहाँ कूदा मैं, दूसरा इधर कूदा, तीसरा इधर कूदा, फिर चौथा इधर वापस कूदा, फिर पांचवा इधर कूदा, फिर छठा इधर कूदा, सातवा इधर कूदा, शेट यार गलत को एक एक स्टेप गलत हो जाता है ना फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मैकेनिज्म दोबारा से करना पड़ेगा। और ये तो अच्छा है भाई कि इसकी कुल्हाड़ी से हम मर नहीं रहे, मतलब होता है ना कि मर नहीं रहे, नहीं तो भाई ये मर जाते, क्या पता लग रहा है। Damn it. तो भाई एक बार और कोशिश करके देखते हैं। पांच पांच योद्धा हैं यार, पांच योद्धाओं से कैसे बचेंगे। एक दो तीन, That would have hurt.
Okay, what next? Oh, felt that one whiz by. बहुत ही बढ़िया। शिट यार। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है फ्रेंड्स गेम, बट हम हिम्मत नहीं हारेंगे, बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। Keep an eye on the statues and symbols. ये कह रही है keep an eye on statue and symbols, ठीक है। अच्छा अगर मैं गोल्डन वाले पे चक्र वाले पे करता हूँ तो वो वाला स्टैचू वाला बंदा उधर वाला मूव करेगा और इससे शेट यार मुझे पता लगना चाहिए था ना फ्रेंड वो ऐसे मारेगा तो उधर जाएगा। You don't want to be standing on one of the symbols when the X comes down. Right. I see that now. Okay. Am I okay? I'm okay. Work in progress. ओ भाई साहब, इस योद्धा के पास है फूल, ठीक है, और इस योद्धा के पास है चक्र और इसके पास भी है चक्र, तो अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये चक्र चलाएगा और अगर मैं ये करूँगा तो इधर चलते हैं। तो भाई आधा रास्ता हमने पार कर दिया है, आधा है बाकी। अब मैं अगर सामने जाऊंगा ना तो ये पक्का मूव करेगा, इधर जाऊंगा तो ये मूव करेगा। मैं तो फंस गया यार, तो फंस गया यार। क्लोई फ्रेजर तो फंस चुकी है फ्रेंड्स, कैसे निकलेगी यहां से? ये देखो इसकी ये गोल्ड सी प्लेट है, तो ये यहां पे अगर मैं इस वाले पे मूव करूंगा तो अटैक तो करेगा ना सामने, और अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये बच गए। भाई साहब फाइनली 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 हमने इस ऐतिहासिक घड़ी में आप सभी का स्वागत है, हमने इन छह के छह योद्धाओं से बच के हम निकल चुके हैं। भाई आ जाओ फटाफट निडीन, कम फास्ट। Let's move. Fresh air. तो भाई ये तीन पड़ाव पार करने के बाद अब नहीं मालूम हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ओके तो यार ये जो है ना एक सिंबल आप देख सकते हैं, ये एक अजीबो गरीब और बहुत ही ऐतिहासिक सिंबल है, और इसके अंदर मुझे लगता है वो हमें डिस्क रखनी होगी जो डिस्क हमने असाव से चुराई थी। Now let's see what it does. What is it? Ancient Hoysala jigsaw puzzle? तो ये नेडिन बता रही है कि एक एंशिएंट होयसाला का जिग्सो पजल है जिसे हमें करना है। ओके तो इसके अंदर हमें बेसिकली कुल्हाड़ी बनानी है। ओके और ऐसे
नहीं यार, ये चीज तो यहीं आएगी। Of course, I'm making an axe. All right. और ये अब एक्स लगता है लगभग बन चुकी है, बन गई। देवों के देव महादेव की फोटो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अपने सामने, और ये बहुत ही बारीकी के साथ कारीगरी कर रखी है। एक लोहे के, नहीं लोहा तो नहीं कहेंगे, सोना कहेंगे, सोने के ऊपर या पीतल के ऊपर महादेव की मूर्ति बना रखी है। अब देखते हैं महादेव की मूर्ति से हमें क्या देखने को मिलेगा। महादेव वो और कोई नहीं, गणेश के पापा ही हैं, यानी कि भगवान गणेश के पापा हैं, भगवान शिव। और इससे क्या हुआ, इस पजल को हमें घुमाने से या इस लीवर को घुमाने से क्या हुआ? लगता है कहीं से पानी की आवाज आ रही है। जब सही कहा भाई मैंने, पानी निकल रहा है यहाँ से, और ये पानी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी और पुराने किले से। ओके, तो वहां पे पानी निकलना शुरू हो गया यहां से। तो माउंटेन के अंदर बहुत ही बहादुरी के साथ किसी ने क्रेव कर रखी है गुफा, और मैकेनिज्म देखो, लीवर यहां खींचा, पानी वहां निकला। ये तो वही वाली बात हो गई कि आलू डाला और सोना निकला। जस्ट किडिंग यार, मजाक, ये एक सिर्फ एक छोटा सा मजाक था और कुछ नहीं। वैसे यार ये लोग ना वक्त से बहुत आगे थे, होयसाला एम्पायर के लोग, और लगता है ये खजाना बहुत ही ज्यादा बड़ा खजाना होने वाला है, जिसके लिए इतनी सारे इन्होंने छुपे हुए रास्ते, गुफाएं और मैकेनिज्म लगा रखा है और यंत्रों का इस्तेमाल कर रखा है। Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. So Shoreline Industry के बारे में बता रही है कि इसका फैमिली बिजनेस था नडीन का, इसके पापा ने वो कंपनी स्टार्ट की थी, और उसके बाद उसके पापा ने नडीन को ये कंपनी दे दी थी जिसका नाम था Shoreline Army. तो ये ड्रेक ब्रदर्स के साथ बहुत ही ज्यादा मिलके काम करती थी क्लोई। तो ये कह रही है मैं इस बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी कि नेथन ड्रेक और सैमुअल ड्रेक के साथ इसका क्या रिश्ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमें ट्राइडेंट के पास जाना है जहां से हमें वो अनलॉक करना है, एक और पानी का झरना इसी तरीके से। तो चलते हैं भाई, अपनी कार देखते हैं, कार कहां खड़ी है, कार वो रही। बट यार सही में ये जो तीन पड़ाव थे ना, बहुत ही खतरनाक पड़ाव थे यार, बड़ी मुश्किल से मैंने किए। अब इधर से ऐसे जंप करके ऐसे, बहुत बढ़िया, नीचे आ जाओ अब। तो इधर की तरफ हमारी कार पार्क है, जाने में तो फ्रेंड्स हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई थी। यही है वो गुफा का दरवाजा, या यही है वो किला जहां से हम एंटर किए थे। देखिए भगवान शिव की कुल्हाड़ी है यहाँ पे। Hey, just so you know, Nathan Drake is no longer in the picture. You don't have to worry about him. I had my concerns. तो क्लोई अभी बता रही है कि नेथन ड्रेक अब काम नहीं करता, बट सैमुअल ड्रेक काम करता है, वही ट्रेजर हंटिंग वाला काम। Oh, there's a plus side? Oh, when people have low expectations, it's much easier to take them by surprise. As far as I'm concerned, this business is tough enough on your own. You have to take any advantage you can. But उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यार आपने स्पाइडरमैन वाली सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसी तरीके से आप इस वाली सीरीज को भी बहुत ज्यादा प्यार दें। मिलते हैं आप लोगों से हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी यार चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आप यहाँ तक रुके हैं ना, मतलब आप सच में अनचार्टेड के बहुत बड़े फैन हैं और आपको एडवेंचर भरी गेम बहुत पसंद आती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना, बाय।